प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सेकंड ईयर में जो बॉटनी का पहला पेपर है, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसका हम इसके सिलेबस का सबसे पहला जो टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब जो पुष्पीय पादप हैं उनका जो बॉडी प्लान है, अर्थात उनका पादप शरीर किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से मुख्य तंत्र होते हैं, इनके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी किसी फ्लावरिंग प्लांट्स की या किसी भी प्लांट की जब बात आती है, तो उस प्लांट का जो जीवन चक्र है वह बीज से शुरू होता है, सीड, और फिर से सीड पर ख़त्म हो जाता है। अर्थात सीड से जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन से प्लांट बनेगा, और प्लांट से फिर उसमें फिर से फ्लावरिंग होगी, और फ्लावरिंग के साथ उसमें सीड बनेंगे। अर्थात सीड से सीड का जो ये सफ़र है, यह पूरा का पूरा लाइफ साइकिल प्लांट का होता है। देखिए, सीड से जो सीड का जो सफ़र है प्लांट का, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि जो प्लांट है उसका बेसिक बॉडी प्लान क्या होता है। एक पादप में मुख्य रूप से दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। पहला तंत्र कहलाता है रूट सिस्टम या मूल तंत्र। पादपों में मूल तंत्र एक ऐसा सिस्टम है जो कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक या धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती का तात्पर्य है कि हमेशा इसकी जो वृद्धि होती है रूट सिस्टम की, जमीन की ओर होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के समान होती है। मतलब समान मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के बल की ओर होती है। तो हाँ, तो जो रूट सिस्टम होता है यह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। अर्थात यह प्रकाश की ओर न जाकर प्रकाश के विपरीत जाता है। तो जमीन में जो मूल तंत्र जमीन के अंदर की ओर वृद्धि करता है और प्रकाश से दूर जाता है। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक जो प्लांट सिस्टम है वह रूट सिस्टम कहलाता है। इसका विकास जो होता है रूट सिस्टम का, वह बीज में उपस्थित मूलांकुर से होता है। बीज में मूलांकुर, देखिए जो ये बीज है, मान लीजिए बीज में भ्रूण होता है। भ्रूण जब विकसित होता है, जर्मिनेशन होता है, तो इसमें दो चीजें बनती हैं, ऊपर की ओर ल्यूमूल होता है, नीचे की ओर रेडिकल होता है। रेडिकल जो है यह मूलांकुर कहलाता है और ल्यूमूल प्रांकुर कहलाता है। ल्यूमूल प्ररोह तंत्र को विकसित करेगा, जिसकी अभी हम बात करेंगे, और मूलांकुर जो है रूट सिस्टम को या मूल तंत्र को विकसित करता है। रूट सिस्टम को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला तो प्रकार है टैप रूट सिस्टम और दूसरा प्रकार है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम या मूसला मूल तंत्र और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम या रेशेदार मूल तंत्र, टैप, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ये जो रेडिकल है, बीज का जो भ्रूण है, इसमें से रेडिकल निकला है, यह इस रेडिकल से एक प्राथमिक मूल, ये प्राइमरी रूट, प्राथमिक मूल विकसित होती है। मान लीजिए ये मूलांकुर है और इस मूलांकुर से एक प्राथमिक मूल विकसित हो गई। इस प्राथमिक मूल से अनेक द्वितीयक मूल निकलती हैं, द्वितीयक मूल से तृतीयक मूल इत्यादि निकल सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूल का जो है, जड़ का एक जाल सा बन जाता है और
जो जमीन है उसमें चलता जाता है, और मूल जो अपना कार्य है जल अवशोषण का और भोजन संचय का वह कार्य करती रहती है। तो प्राइमरी रूट वह रूट है जो कि, या जड़ का वह प्रकार है, भाग है जो कि मूलांकुर से सीधे विकसित हो रहा है। प्राइमरी रूट मूलांकुर से इस प्रकार विकसित होने वाले प्राइमरी रूट से अनेक सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट, द्वितीयक मूल तथा तृतीयक मूल इत्यादि निकलती रहती हैं। तो ये तो बात हो गई टैप रूट सिस्टम की। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में क्या होगा कि जो मूलांकुर है इससे निकलने वाली प्राथमिक जड़ शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, और इससे इसके आसपास से अनेक छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं जिनको हम रेशेदार जड़ें कहते हैं। तो इस प्रकार का जो रूट सिस्टम है यह रेशेदार या अपस्थानिक मूल तंत्र भी कहलाता है। हम जानते हैं कि मूल तंत्र का मुख्य कार्य है जल तथा लवणों का अवशोषण करना और पादप को मृदा में स्थापित करने का होता है। अब हम बात करेंगे रूट सिस्टम के बाद शूट सिस्टम की। जैसा कि अभी हमारी बात हुई थी कि जो पादप है उसका मुख्य पादप शरीर दो भागों में बांटा जा सकता है, मूल तंत्र तथा प्ररोह तंत्र। तो मूल तंत्र के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब दूसरा देखते हैं हम प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र अर्थ अथवा द रूट शूट सिस्टम। प्ररोह तंत्र, यदि हम रूट सिस्टम की बात करें या मूल तंत्र की, तो उसके अपोजिट प्ररोह तंत्र नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, अर्थात यह मूल के समान जमीन के अंदर प्रवेश नहीं करता है, जमीन से बाहर की ओर ऊपर की ओर जाता रहता है, और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। अर्थात प्रकाश की ओर हमेशा यह वृद्धि करता है। तो इस प्रकार एक प्ररोह तंत्र जो है वह नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा। एक विकसित जो पादप है उसमें प्ररोह तंत्र के अंतर्गत स्टेम आता है, मुख्य तना जो होता है। इसके अतिरिक्त इसमें लगने वाली पत्तियां आती हैं, पर्ण आते हैं, और इसके अलावा जनन काल में इसमें फ्लावर्स, पुष्प और फ्रूट्स, ये बीज पाए जा सकते हैं। तो शूट सिस्टम में ये भाग हो सकते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो बीज होगा उससे ल्यूमूल निकलता है, रेडिकल निकलता है, तो शूट सिस्टम को विकसित करने में ल्यूमूल की भागीदारी होती है। ल्यूमूल या जो प्रांकुर है वह शूट सिस्टम को डेवलप करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो भी जमीन से ऊपर का भाग है वह इसका शूट सिस्टम कहलाता है। तने की बात करें तो तना जो है उस पर विभिन्न प्रकार के उपांग भी लगे रह सकते हैं, विभिन्न देर आर सम अपेंडेजेस देयर, जैसे कि शूल है, कांटे जो लगे रहते हैं, अधिचर्म पर उपस्थित जो ऊतक है वह अनेक प्रकार के रोमों को भी उत्पन्न करता है, रोम यानी हेयर्स, स्केल्स एटसेट्रा, ये सभी स्टेम्स पर उपस्थित होते हैं। स्टेम का मुख्य कार्य पादप को एक यांत्रिक सामर्थ्यता प्रदान करने का है, अर्थात वह जमीन से जो है पादप को पूरी तरीके से एक यांत्रिक सामर्थ्यता देता है, उसको सीधा खड़ा रखने में सक्षम करता है। लीव्स की हम बात करें, हम जानते हैं कि ये एसिमिलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। एसिमिलेटरी ऑर्गन्स अर्थात स्वांगीकरण करने में सक्षम होते हैं, भोजन का निर्माण कर सकने में सक्षम होती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक पाया जाता है, और यह हरित वर्णक सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन के द्वारा। तने पर
जो पत्तियां हैं एक विशिष्ट क्रम में लगी रहती हैं, जिसको हम पर्ण विन्यास या फाइरोटैक्सी कहते हैं। इसके अलावा पत्तियों का मुख्य कार्य है, जैसा कि मैंने बात की, भोजन का संश्लेषण करना है। अगली बात करते हैं हम फ्लावर्स, फ्लावर या पुष्प जो है यह एक कायिक प्ररोह है, इसे कहा भी जाता है। इसकी परिभाषा में भी हम पढ़ते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, द मॉडिफाइड शूट। यह एक जननिक संरचना होती है जिसमें नर जननांग तथा मादा जननांग उपस्थित होते हैं। किसी पुष्प में दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, वे द्विलिंगी होते हैं। किसी में एक ही जननांग उपस्थित होता है, वह एकलिंगी होता है। तो इस प्रकार जो पुष्प है वह एक जननिक संरचना होती है। जननिक संरचना पुष्प में यदि निषेचन के पश्चात फल बनते हैं, फल जो है परागण और निषेचन के पश्चात बनते हैं, और फलों में बीज पाए जाते हैं। तो बीज भी जो है शूट सिस्टम का एक भाग हो गया। फलों में बीज पाए जाते हैं और ये जो बीज है पुनः जर्मिनेशन के द्वारा नए पादप का निर्माण करता है, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी सीड टू सीड। तो ये एक आज हम फ्लावरिंग प्लांट का बेसिक बॉडी प्लान को समझ पाए। आगे आने वाले लेक्चर में हम डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे।